तो हम लोग हो चुके हैं रेडी अपनी सफारी के लिए। हमने ले लिया अपना कैमरा और ऐश्वर्या हो गई है रेडी। अब देखते हैं आज का मौसम, पता नहीं सफारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मौसम तो आज का सुहाना सुहाना है, पर जो सुनैना है अंदर टाइग्रेस वो बोल रही है रुक जा थोड़ी देर बाद आना, क्योंकि मौसम हो रहा है खराब। अब देखते हैं पता नहीं क्या होगा। अब चलते हैं अपनी कार में गेट की तरफ, अब देखते हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती सफारी। तो गाइस यहाँ तो मौसम तो बारिश वाला है, लेकिन आप लोगों का क्रेज देख सकते हो, जाने का पागलपन, गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई है। और अभी तो खैर हम थोड़ा टाइम से पहले हैं तो उतनी भीड़ है पर थोड़ा कम है, बट अभी पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है। तो आप देखिए, ये देखिए एक और गाड़ी आ गई। तो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हैं हम आ गए हैं, और देखिए हम भी जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। राहुल आ गए हैं, देखिए भीड़ लबालब भीड़ है। देख सकते हैं आप इधर। तो गाइस अभी हम टिकट के लिए जा रहे हैं अंदर। आप देख सकते हैं अंदर भी बहुत भीड़ है, जितने भी हमारे खड़े हुए हैं वहाँ। ये देखिए यहाँ की भीड़ देखिए। तो आप सभी देख सकते हैं हमके सामने ये जो खड़ी है कैंटर, ये मिलने वाली है कैंटर अभी, क्योंकि हम जल्दी आ गए थे इसलिए हमको अभी जिप्सी प्रोवाइड नहीं हो पाई है। फिर भी हम कैंटर ले और अभी खाना हो जाएंगे हम, और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलता है हमको, क्या क्या एनिमल्स देखने के लिए। होप रखते हैं कुछ अच्छे ही दिखे। तो टाइगर बेबी टाइगर देख सकते हैं आप, कैसे मौसम है, मौसम बहुत खराब है, देखते हैं क्या हो। तो गाइस हाँ कैमरा लेने का है, तो गाइस हमें जिप्सी प्रोवाइड नहीं, तो हम कैंटर में चढ़ रहे हैं। फाइनली आंधी तूफान था बहुत ज़्यादा इस ऊपर, मेरा तो फर्स्ट टाइम कैंटर में भी रहेगा सफारी, तो मैं चढ़ गई कैंटर में। देखिए आप सब, राहुल कैमरा लेने गए हैं और बहुत ज़्यादा ही हवा चल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़ा भी आ रहा है। गाइस आप देखिए क्या ही लाइन है, क्या ही भीड़ है, देखिए एक के बाद एक गाड़ी निकल रही है। ये देखिए राहुल भी आ रहे हैं, ये देखिए वहां से, ये देखिए वो कैमरा लेने गए थे, कैमरा लेके जस्ट आए हैं। टाइगर इधर आ रहा है, उधर का टाइगर इज हियर। अरे कोई जगह का फैमिली लोग तीन जन जाएंगे इसमें, बट हाँ वही बोल रहा हूँ, कहाँ बैठो इधर, काम करो अभी, ये वाले हाँ। कैंटर का भी एक अलग मजा है और बहुत अच्छा है, लेकिन हाइटेड मिलता है ना सब फोटोग्राफी के लिए, पर मैं ना फर्स्ट टाइम बैठी हूँ इसमें, कंफर्टेबल लगता है बहुत ज्यादा। ये देखिए पीछे भी हमारी भीड़ है, सारी गाड़ी चलनी शुरू हो गई है, यहाँ से भी गाड़ी आ रही है वन बाय वन वन बाय वन। ये देखिए चलो फाइनली जंगल।
गाइस यहाँ बोलते हैं कि साइकिलिंग हो रही है, देखिए कितने भीड़ है। फोटो खींचा ही छुआ मैं तो आगे से ये बड़ी गाड़ी मुझे तो नहीं दिखा। ये सामने देखने जैसे देख बेटा गड्ढे में दिख रहा है। हाँ यार मुंडी है यही। सो गाइस टाइगर की साइकिलिंग तो हो गई है। लेट गया, सो गया। गाइस देखिए सो रहा है टाइगर। अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए दिख रहा है। गाइस मॉर्निंग में जब हम आते हैं यहाँ तो ब्रेकफास्ट पॉइंट अपना यही रहता है कान्हा का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तो हम इवनिंग में आए हैं तो मॉर्निंग में यहाँ ब्रेकफास्ट पॉइंट अपना यही है। यहाँ अधिकतर काफ़ी फ़ोटो खिंचाते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत जगह है। तो हमने अभी टाइगर देख लिया है, ऐश्वर्या कुछ क्लिप डालेगी छोटा सा, वो आप सब भी देख सकते हैं। तो आज कैंटर में गए थे तो आज बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस था। तो होप सो अब कल हम जाएंगे जिप्सी में, जितू भी हमारे कर सकते हैं कुछ ना कुछ जिप्सी के लिए। तो कल आपको सभी को दिखाएंगे बहुत अच्छे से टाइगर। तो ये है कान्हा नेशनल पार्क का सुविनियर शॉप, जहाँ आप अपने लिए कोई भी टी शर्ट्स शर्ट्स पैंट्स ले सकते हैं। देख सकते हो बहुत ही सुंदर से यहाँ पे टाइगर प्रिंटेड टी शर्ट पैंट लोअर एंड जैकेट्स इसके सामान बन जाएगा तुम्हारा भाई। मतलब मैं बता रहा हूँ मेरे पिताजी था, मेरा यहाँ आते हुए करीबन 22 साल तो मेरे को होते पिताजी लोग का। तो जब से मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। टाइगर देख लिए और क्या देखना है? और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा उठेगा उठेगा बाकी चलने वाला स्थिति नहीं है। Oh,
बहुत फूल वाला था लेना था। ले तो रही हूँ जी। नहीं करी हूँ वही ली। वापस निकलते हुए आज की सफारी हो गई कंप्लीट। गाइस हम आ गए हैं सफारी लेके और ये है शाम का नज़ारा। आप देख सकते हैं कितना ही पीस है यहाँ। ये देखिए गाइस, अब देखिए कंटिन्यू जिप्सी आ रही है, वो देखिए। वो ऐसा लेटा था कि फोटो में आ ही नहीं पाया, लेकिन इतने पास था कि हम लोग इतने पास से देखे उसको। हम पहुंच गए वापस से सफारी के बाद अपने रिसॉर्ट में ना। देखिए तो क्या करोगे आप, हो जाते हैं तुरंत में तो वही होता है ना। वो तो मिल गया, बहुत बड़ी बात कान्हा का। वो इतने पास में था कि मतलब पूरा दिख रहा है हमको, लेकिन वही है इवनिंग का व्यू। तो हम अभी अपनी सफारी से होके आ चुके हैं और ऐश्वर्या भी थक गई है अब सुबह से। अब देख सकते हो कितना ही सुंदर सा ये नज़ारा है हमारे रिसोर्ट का, और चिड़ियों की जो आवाज़ें हैं जो आप सुन सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा ये नज़ारा। आपको मैं पूल भी दिखाता हूँ, स्विमिंग पूल, आवेश्वर्य पूल दिखाते हैं। ये बच्चों के लिए खेलने के लिए, और ये रात का नज़ारा पूल का, जो कि मैं और ऐश्वर्य यहाँ पर बैठ के थोड़ा देर चिल करेंगे। और सुंदर सुंदर सी बिल्ली बैठी है, और ये पूल। तो चलते हैं, अब हम लोग का टाइम हो चुका है शौर्या हमारा इवनिंग स्नैक्स खाने का, गुड इवनिंग। तो ये हम लोग का आ चुका है स्नैक्स। थक गई हो क्या? तो ये क्या है भैया?
मिक्स पकौड़ा सर। ये मिक्स वो अपना प्याज वाला है क्या जी? ये है सॉस, ये चटनी और ये चाय। सुंदर सा शेफी आप ही हैं, आप बना रहे हैं नहीं? तो ऐश्वर्या एक बार बताओ तो कैसा लग रहा है ये क्या खा रहे हो? कुकी कैसा है? टेस्टी। और इसको एक बार टेस्ट करके दिखाओ। मैं करता हूँ, छोड़ो उसको तुम करो। ये है प्याज भजिया, बहुत ही सुंदर है यार, पर स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट। थैंक यू। तो अब हो चुकी है नाइट, तो हम दोनों अब नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और अब जा रहे हैं हम लोग अपना डिनर करने। अब देखते हैं डिनर में क्या स्पेशल होता है। और कल हम लोग की मॉर्निंग सफारी है, तो आप लोगों ने देखा होगा टाइगर आज बहुत ही ज़्यादा सुस्त था, क्योंकि आज मौसम भी एकदम सुस्त वाला था तो टाइगर भी सुस्ती था। तो अब देखते हैं कल का क्या होता है। कल तो एकदम सुबह की सफारी है 5:45 की, अब देखते हैं क्या रहता है कल सुबह का। होप सो कल टाइगर बहुत ही अच्छे उसमें हमको दिख जाए पोज पे, तो हम आपको दिखाएंगे फोटोज और वीडियो शेयर करेंगे। तो अब देख सकते हो रात में कैसा दिखता है हम लोग का ये सामने का नज़ारा और ये हम लोग का सुंदर सा। हम डिनर में क्या करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। रेस्टोरेंट हम डिनर में क्या करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं, तो चलिए हमारे साथ। अभी कहाँ बैठेंगे? कहीं बैठ जाते, यहाँ बैठते हैं आज सामने में। कहाँ बता दो? हाँ इस तरफ बैठते हैं, थोड़ा चेंज करेंगे ना रास्ता। हाँ ये आ चुका है हम लोग का हक्का नूडल्स, जो कि ऐश्वर्या ने बोला था कि थोड़ा सा मेरे ला दीजिए और थोड़ा ही सही ले लिया। बस बस दैट्स इट। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ऐश्वर्या थोड़ा टेस्ट करके बताओ। पहले थोड़ा सा नमक, क्योंकि लोग तो थोड़ा मीठा ही बनाए हैं। कैसा है? नाइस। अच्छा है। अब थोड़ी देर में अपन खाएंगे मेन कोर्स अपना, और मैं भी थोड़ा सा इसे ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसा है। अच्छा खिला दी हो गया। नाइस टेस्ट, अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो ये आ गया हम लोग का अभी डिनर। तो ये है पालक कॉर्न और ये है चिकन मसाला, दाल फ्राई, ये दाल फ्राई है, कढ़ाई पनीर, और ये मिक्स वेज। ओके राइस और आपका वो नान, राइस भी है ना, नान भी है दोनों। ठीक, तो हम लोगों ने अपनी प्लेट को सजा ली है और ये है बहुत टेस्टी सा चिकन और ये है कॉर्न पालक और ये है पनीर कढ़ाई और ये है मिक्स वेज जो कि मैं नहीं खाता। हाँ तो खाने बैठ गई। मैं जनरली वेज नहीं पसंद करती हूँ, बट यहाँ का मिक्स वेज गजब है, गजब। तो गाइस स्वीट में आ गया है अपने पास मूंग दाल का हलवा, ये भी मेरे डिमांड से बना है।